चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि ने संध्या को यानी शाम को अनेक नामों से संबोधित किया है, जैसे कि गंभीर देवी, आरक्षित आत्मा, शांति कन्या इत्यादि। वह संध्या से प्रार्थना करता है कि वह उनको वह संगीत सुनाए जो संध्या के समय अंधेरी घाटियों में गाया जाता है। संध्या के समय हवा शांत घाटियों में प्रतिध्वनि करती रहती है। कवि भी उसी प्रकार का संगीत देना चाहता है। वह मधुर देवी से वैसी ही प्रार्थना करता है। वह चाहता है कि देवी उसे प्रेरित कर उसको अच्छा संगीत प्रदान करने में सहायक हो। कवि ने पश्चिम दिशा की ओर डूबते सूर्य का अच्छा तथा प्रभावशाली वर्णन किया है। चारों ओर केवल पिस्सुओं की आवाज़ को छोड़कर संध्या के समय शांत रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि रात्रि के आगमन पर संध्या शांत एवं निर्जन हो जाती है। शीघ्र ही तारे उगना प्रारंभ हो जाते हैं और दिन के अंत का सूचक बन जाते हैं। संध्या का रथ तब गतिशील हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि संध्या के समय पुष्पों के बीच से परियां प्रकट हो जाती हैं तथा नाचना एवं गाना प्रारंभ कर देती हैं। कवि अनेक ऋतुओं का वर्णन करता है जिनकी संध्या के समय अपनी विशेषताएं होती हैं। वर्षा ऋतु में कवि अपनी झोंपड़ी में बैठना पसंद करता है क्योंकि बाहर तूफानी हवा चल रही है। वह अंदर बैठे बैठे ही ऋतु का आनंद लेता है तथा संध्या से प्रार्थना करता है कि वह कवि को अच्छी कविताएं लिखने को प्रेरित करे ताकि वह भावनापूर्ण कविताएं लिख सके। धन्यवाद।